होली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। शहर में होली का पर्व को लेकर बड़ी धूमधाम से शहर में होली का पर्व मनाया गया। वार्ड पार्षद भारती श्रीवास्तव के यहाँ पर भी होली का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। लोगों ने जमकर होली खेली और गानों पर नाच डांस किया। अब देखते हैं वीडियो में किस तरह होली को पर्व बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। एक दूसरे को गुलाल लगाकर एक बधाई देने का सिलसिला दिन भर चलता रहा। लोगों ने जमकर होली का मजा लिया, नाच गाकर और एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। शहर और गली मोहल्ले में हर तरफ नाच गाने का सिलसिला दिन भर चलता रहा और एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली खेली। लोगों ने डीजे बजाकर जमकर डांस किया और होली के मजे लिए। रंगों का त्यौहार होली बड़ी शान शौकत के साथ मनाई गई। इन्होंने किस तरह डीजे पर डांस करते हुए पूरा शहर सहित अन्य मोहल्लों गली मोहल्लों में भी इस तरह की रौनक देखने को मिली। आप देख सकते हैं किस तरह एक दूसरे को गुलाल लगा लगा कर होली की मजे लेकर डांस किया जा रहा है और होली बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरे अजमेर शहर को, मीडिया वालों को, मेरी मातृशक्ति और सभी को वार्ड 16 में आज प्रति वर्ष की भांति होली मनाई गई और देखा कि किस तरह का माहौल हमारे कार्यकर्ताओं में और मेरे अजमेर शहर की सभी मातृशक्ति महिलाओं ने यहाँ पर आनंद लिया और खूब धूमधाम से होली मनाई है। इसी के साथ मैं कहना चाहती हूँ, लोकसभा चुनाव आ चुके हैं, हमें अपने सनातनी त्योहारों को बरकरार रखना है, हमारे नरेंद्र मोदी का साथ देना है और आने वाले तारीख को जो आपको पता है कि 26 तारीख को हमारे चुनाव होने जा रहे हैं और हमें कमल खिलाना है। ये मेरे को इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि होली के बीच में ही लोकसभा का ये जो चुनाव का प्रक्रिया चालू हो गई है। हमारे यहाँ पर भागीरथ चौधरी जी को जो चुनाव चिन्ह मिल चुका है, इसीलिए आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, इन रंगों के त्यौहार को याद रखते हुए, हमारे सनातनियों के त्यौहार को याद रखते हुए नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। जय भारत, जय हिंद, जय।